हेलो फ्रेंड्स, सिंपल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में बहुत ही डिलीशियस वर्ल्ड पॉपुलर रेसिपी बनाने जा रहे हैं, चिकन तंदूरी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये चिकन तंदूरी बहुत आसान होता है और आज हम जो चिकन तंदूरी बनाने जा रहे हैं वो ना तो हम ओवन में बनाएंगे, ना किसी ग्रिल या तो ना किसी बारबेक्यू में। आज हम इसे पैन पे बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। जो परफेक्ट तंदूरी हम बाहर खाते हैं, बिल्कुल वो टेस्ट आज हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। अब हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक होल चिकन या अक्खी मुर्गी ले ली है 1 किलो की। अब यहाँ पे हमें एक बात का खास ध्यान रखना है, हमने इससे पहले बनाया था मुर्ग मसल्लम, लेकिन मुर्ग मसल्लम में हमने जब चिकन लिया था तो उसे बस 4 कट्स लगाए थे। लेकिन यहाँ पे हम तंदूरी मुर्ग बना रहे हैं जिसमें मसाले और सारे जो स्पाइसेस हैं हमारे वो बहुत ही अच्छे से मैरिनेट होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने जो कट्स लगाए हैं वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक लगाए हैं। देखिए, अब जैसे कि देख सकते हैं मैंने बहुत ही नज़दीक इसे कट्स लगा लिए हैं। हमें इसे डबल मैरिनेट करना है, उस हिसाब से इसे कट्स लगा लेने हैं। अब वेस्ट का जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, इसलिए यहाँ पे हमें इसे डीप कट लगाने हैं ताकि हमारे मसाले यहाँ पे अच्छे से अंदर तक चले जाए। तो ये मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से साफ करवा लिया है, उसे कट्स लगा लिए हैं। अब इसे मैरिनेट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें इसे डबल मैरिनेट करना है। तो उस हिसाब से हमें जो मसाले चाहिए वो देख लेंगे। यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट ले ली है 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मेरी जो लाल मिर्च पाउडर है वो तीखी है, तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। नींबू का रस ले लिया है 1 बड़ा नींबू का रस। यहाँ पे हम फूड कलर यूज़ कर रहे हैं जो हार्मफुल नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपके पास ये फूड कलर नहीं है तो आप इसे ना डालो तो भी कोई बात नहीं, आप लाल मिर्च पाउडर से भी इसे अच्छा सा कलर दे सकते हैं। तो फूड कलर 1 पिंच। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। अब बस हमें चाहिए हल्का सा 1/2 टीस्पून ऑयल। तो हमारे चिकन मैरिनेट करने के लिए हमें जो मसाले चाहिए वो उसे मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैरिनेशन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम अब डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला, नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, नींबू का रस, यहाँ पर मैं 1 बड़ा नींबू का रस यूज़ कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे फूड कलर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैंने फूड कलर डाल दिया है। और हमें चाहिए 1/2 टीस्पून ऑयल, तो यहाँ पे मैंने ऑयल को भी डाल दिया है। अब इस मसालों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन मसालों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर चिकन ले लेंगे और ये जो मसाला है वो मसाला हमें इस चिकन पे बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। मैं सजेस्ट करूँगी कि ये मसाले अपने हाथों से लगाए ताकि ये जो हमने कट्स लगाए हैं इसमें भी ये मसाले बहुत ही अच्छे से चले जाए और हमारा चिकन खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे चिकन को अच्छे से ये मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। हमें मसाला पूरे चिकन को लगाना है और इसके अंदर कैविटी में भी लगा लेना है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मसालों को बहुत ही अच्छे से इस पर लगा लिया है। अब मैंने इसे अब कट्स में लगा लिया है, अंदर इसके कैविटी में भी और इसके लेग पीस में भी अच्छे से लगा लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं ये मसाला सभी साइड से अच्छे से लग चुका है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक के छोड़ देना है। उसके बाद हम इसे दूसरा मैरिनेशन के लिए मसाला लगाएंगे। जब तक कि हमारा चिकन 10 मिनट मैरिनेट हो रहा है पहले मैरिनेशन में, तब तक के हमें जो दूसरा मैरिनेशन लगाना है उसके लिए हमें जो मसाले चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड मैरिनेशन के लिए दही ले लिया है। यहाँ पे मैं गाढ़ा दही यूज़ कर रही हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं ये दही काफ़ी थीक है। अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए टांग कर रख सकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब हमें गाढ़े दही की क्यों ज़रूरत है? गाढ़ा दही हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हमारे दही में बहुत ज़्यादा पानी होगा तो हम जब मैरिनेशन लगाएंगे, जब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो दही का जो पानी है वो नीचे बहुत ज़्यादा बह जाएगा और हमारे चिकन को सारा मसाला अच्छे से लग नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें दही जो चाहिए वो गाढ़ा चाहिए। तो यहाँ पर गाढ़ा दही ले लिया मैंने 1/2 कप या तो फिर 8 से 9 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें 1 बड़ा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 बड़ा टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कस्तूरी मेथी ले लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून, फूड कलर
जैसे कि मैंने आपको बताया फूड कलर, या ये फूड कलर बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, तो ये ऑप्शनल है। पहले भी हमने मैरिनेशन में फूड कलर डाला था और यहाँ पे भी हम फूड कलर डाल रहे हैं। अब फूड कलर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो चिकन तंदूरी है उसे वो रेस्टोरेंट जैसा अच्छा सा कलर दे दे, इसलिए यहाँ पे हम फूड कलर इसे डाल रहे हैं। नमक हमें स्वाद अनुसार चाहिए, तो ये हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब एक और इंग्रेडिएंट्स है जो मैं इसमें डालने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने आपको ये मसालों में नहीं बताया। तो यहाँ पे मैं तंदूरी चिकन मसाला यूज़ कर रही हूँ जो हम इस मैरिनेशन में डालने वाले हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे घर के मसालों में भी इसे बना सकते हैं। चाहिए बटर, हमें पैन पे इसे बनाना है, तो बस उसके लिए हमें यहाँ पे बटर चाहिए। तो देखिए, तो ये हमने इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब हमारा सेकेंड मैरिनेशन हम तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, अब इस बाउल में हमें मैरिनेशन तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही, तो हमने यहाँ पर जो गाढ़ा दही यूज़ किया है वो ले लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे दही गाढ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी पाउडर, कस्तूरी मेथी डाल देंगे यहाँ पे, लेकिन कस्तूरी मेथी को हमें ऐसे ही नहीं डालना है। कस्तूरी मेथी को सबसे पहले हम हाथों पे ले लेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे अपने हाथों से इस तरह से थोड़ा सा रब कर लेंगे, ताकि ये जो है इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया है। फूड कलर डाल देंगे एक पिंच, नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, तो यहाँ पे आप नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा लास्ट इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए तंदूरी मसाला, तो ये मैं ले रही हूँ एक टी स्पून। तो ये मसाले मैंने सब उसमें डाल दिए हैं, अब इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा सेकंड मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो चिकन है फर्स्ट मैरिनेशन अच्छे से हो चुका है। तो ये चिकन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे चिकन हमारा, आप देख सकते हैं कि हमारा जो फूड कलर है, लाल मिर्च पाउडर है, उसने इसे बहुत ही अच्छा सा कलर दे दिया है। अब हमें क्या करना है, चिकन फर्स्ट मैरिनेशन से 10 मिनट अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब हमने जो सेकंड मैरिनेशन तैयार किया है वो इस पर लगा लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें इसे अपने हाथों से लगाना है, ताकि ये जो कट्स है, कट्स में ये सारे मसाले अच्छे से चले जाने चाहिए। तो चलिए इसे अच्छे से लगा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक घंटा हो चुका है और हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी मसाले चिकन ने अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके जो लेग पीस है उसे बांध लेंगे। तो इसे यहाँ पे मैंने एक मोटा धागा ले लिया है, यहाँ पे मैंने जो मोटा धागा लिया है इसे बांध लेंगे। इसे हमें इसलिए बांधना है ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई कर पाए। तो देखिए पैन गर्म हो चुका है हमारा, अब हम इसमें बटर डाल देंगे। तो ये मैंने बटर ले लिया है, इसे डाल देंगे इस पर और इसे मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हमें चिकन को इस पर रख देना है। चिकन को हमें उठाना किस तरह से है, देखिए हमने यहाँ पर जो लेग पीस को अच्छे से बांध दिया था, इसी साइड से हम इसे उठा लेंगे बिल्कुल इसी तरह से, और ये चिकन इस पर रख देंगे। देखिए, अब रखते के साथ हमें गैस की फ्लेम हाई कर, आप देख सकते हैं मैंने इस पर चिकन रख दिया है, गैस की फ्लेम हाई रखने देंगे। और ये मसाला जो हमने लगाया था, ये जो थोड़ा मसाला बच गया है उसे ऐसे ले लेंगे, और जहाँ जहाँ हमें दिखे कि मसाला नहीं है वहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इस मसाले को लगा लेंगे, यहाँ पे रख दिया है, गैस की फ्लेम हाई है। अब हमें इसे ढककर पकाना होगा, ढककर हमें इसलिए पकाना है ताकि ये जो ब्रेड के पीस है वो बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, तो अंदर तक के हमारा चिकन पक जाना चाहिए, जो लेग पीस है वो अंदर तक के पक जाना चाहिए, और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से सभी जगह से फ्राई हो जाना चाहिए। तो चलिए इसे ढक लें, गैस की फ्लेम हाई रखी है हमने। अब यहाँ पे हमें जो ढकने के लिए बर्तन चाहिए, इसका पैन का जो कवर था वो इस पर परफेक्ट फिट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे दूसरा वेसल यूज़ करना पड़ रहा था। देखिए, यहाँ पे मैंने जो इस पर अच्छे से फिट बैठ सके वो वेसल ले लिया है, जिसकी वजह से ये ऊपर से भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगा, और ये हीट ऊपर से भी देगा, और नीचे से हमारा गैस पहले ही चालू है। तो देखिए, यहाँ पे हमें इसे ढककर हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक के पका लेना है, और उसके बाद में हमें
इसे निकाल कर और पलटते हुए इसकी साइड चेंज करते हुए, देखिए हमें यहाँ से ही पकड़ना है इसे। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, देखिए आप देख सकते हैं हमारा चिकन एक साइड से अच्छे से होने लगा है, चिकन पकने लगा है। बिल्कुल इसी तरह से हम 5-5 मिनट में इसे ढककर इसे ढकते जाएंगे, फिर निकालते जाएंगे और इसके साइड चेंज करते हुए हमें इसे अलट पलट कर सब जगह से फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम अब मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए क्या होता है कि बारबेक्यू में हम जो चिकन पकाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे जो चिकन पका रहे हैं वो बहुत ही जूसी होगा और ऊपर से अच्छे से क्रंची भी होगा। तो ये मैंने इसे ढक लिया है, गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर अब हमें इसे साइड चेंज करते हुए अच्छे से पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, फोक ले लेंगे और फोक से ऐसे इसे चेक कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। अब गैस की फ्लेम हमें हाई करके और इसे खुला ही पका लेना है। तो इसे 5-7 मिनट तक के खुला पका लेंगे इसके सब साइड पलटते हुए। तो ये देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है। ये अच्छे से आप जैसे देख सकते हैं ऊपर से भी इसे बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पैन को हटा देंगे। अब हमें चाहिए बिल्कुल परफेक्ट तंदूरी फ्लेवर, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पैन को हटा दिया है, जाली लगा लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जाली रख दी है, इस पर अब हम डालेंगे हमारे चिकन। देखिए गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है और हाई फ्लेम पे ही हमें इसे ऐसे पका लेना है। ये हमें किस लिए करना है, क्योंकि हमें तंदूरी कलर तो मिल गया, टेस्ट मिल गया वैसी, लेकिन क्योंकि एक जो फ्लेवर आता है, जो स्मोक हमें चाहिए तंदूरी वाला, वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बटर। अब नीचे गैस ऑन है, यहाँ पे हम ऊपर बटर डालते जाएंगे और जैसा जैसा हमारा जो बटर है वो मेल्ट होते जाएगा, नीचे ये बटर ऐसे लगते जाएगा और उसका जो स्मोक आएगा वो होगा असली तंदूरी फ्लेवर। तो इसके लिए आपको चारकोल वाली जो सिकड़ी होती है उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी और आपको किसी ग्रिल की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये बिल्कुल परफेक्ट आपको तंदूरी फ्लेवर दे देगा। तो इसी तरह से हम सब साइड से पलटते हुए बटर डालते हुए इसे अच्छे से बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से सब साइड से ग्रिल हो चुका है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। ऊपर मैंने हल्का सा बटर डाल दिया है जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्विक एंड सिंपल रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप एक बार इसे घर पर बना के देखिए, आप ये बाहर खाना छोड़ दोगे। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।